तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। सिनेमा आजकल के जियो, सिनेमा आजकल पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिनेमा आजकल और आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म कच्चे धागे। बहुत बड़ी पिक्चर थी कच्चे धागे, बहुत एक्शन पैक्ड थी। तो इस फिल्म का क्रेडिट कौन ले गया था, क्योंकि उसमें अजय देवगन थे, प्लस एक सैफ अली खान थे, प्लस इसका म्यूजिक भी बहुत बड़ा फिल्म था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस फिल्म का बजट था 10 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था करीब 29 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये एक एवरेज फिल्म थी, सेमी हिट फिल्म थी, ये बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन इसको बाद में टीवी में बहुत प्यार मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें, तो देखिए अब बजट 10 करोड़ रुपए है, अब 29 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये तो बॉक्स ऑफिस में कुछ अपना लागत भी वसूल नहीं की। लेकिन इसका म्यूज़िक उस समय बिका था 8 से 9 करोड़ रुपए में, इसका म्यूज़िक बिका था, क्योंकि इसका म्यूज़िक दिया था जी स्वर्गीय नुसरत फ़तेह अली खान का म्यूज़िक था। और इसका टीवी राइट बिका था उस समय 20 करोड़ रुपए में, जो काफ़ी था। और ओवरसीज़ इस समय इस फिल्म का नहीं गया था, ओवरसीज़ में इसका मार्केट नहीं था। फिर भी इस फिल्म ने एज ए 10 करोड़ से बजट की बड़ी फिल्म ने प्रोड्यूसर के जेब में 20-25 करोड़ रुपया कमा लिया था। इसमें अजय देवगन की फीस 10 करोड़ में ही ऐड थी। ठीक है, तो फिल्म बहुत ही एक्शन मूवी। फिल्म का बहुत एक फैक्ट है कि इस फिल्म के एक्शन सीन में टीनू वर्मा जो एक्शन डायरेक्टर हैं, ठीक है, टीनू वर्मा जो एक्शन डायरेक्टर हैं, वो सैफ अली खान को एक सीन में झापड़ भी मार दिए थे। ठीक है, और बाद में फिर उन्होंने बोला कि मैंने अजय देवगन से ज़्यादा एक्शन पे काम सैफ अली खान पे किया था। और वाकई सैफ अली खान इसके पहले बहुत एकदम अलग अलग लुक में आते थे, क्या कहना मुझको कहना क्या बहुत लेजी लुक, लेकिन इस फिल्म से उनका बहुत ही अलग युग, दाढ़ी वाले एकदम एक्शन पैक्ड, इसके बाद ही उनका करियर आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इस फिल्म में अजय देवगन तो बोल नहीं सकते, अजय देवगन के डायलॉग डिलीवरी, वो पठानी पहन के जो थे एवर ग्रीन लुक। ठीक है, हीरोइन लोगों का ज़्यादा काम नहीं था, गाने आने में आए थे तो क्रेडिट उनको जान ही रहता। फिल्म को डायरेक्शन डायरेक्ट किया था मिलिंद लुथरिया। मिलिंद लुथरिया कौन, अपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाले, ठीक है, डर्टी पिक्चर वाले, ठीक है, ये है मिलिंद लुथरिया। ठीक है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है मिलिंद लुथरिया। तो क्रेडिट सिर्फ 3 पे जा रहा था। म्यूजिक भी इसका बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर, फिल्म से ज़्यादा म्यूजिक ब्लॉकबस्टर कमाई थी। और इसके जो राइट्स खरीदे थे अपने HMV ने, उन्होंने फिल्म से ज़्यादा कमा लिए थे। ठीक है, तो अब सोचिए म्यूज़िक बहुत बिका था, कच्चे धागे का म्यूज़िक आज भी लोग सुनते हैं, क्या गाने थे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस फिल्म में जब क्रेडिट देने के बाद ही आया तो फिर बोले निकलो चलो बताओ किसको क्रेडिट दिया जाए। तो दोनों पैक में आ रहे थे, अजय देवगन बहुत ही यूनिक एक्शन के साथ में आ रहे थे और बहुत ही अलग रोल था, लेकिन सैफ अली खान थोड़ा डंप होते फिर भी उनका भी एक्शन लुक आ जाता है ना। और इस फिल्म के लिए पहले ना सैफ अली खान उतने बड़े स्टार नहीं थे, वो ऐसे एक साइड रोल फाइट रोल एक छोटी फिल्म कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब पता किए कि इस फिल्म में ऑडियंस पब्लिक किसको पसंद कर रही है, तो बोले कि इस फिल्म में ऑडियंस पब्लिक पसंद कर रही है सैफ अली खान को। और फिर पता किए कि फोटोज़ किसके ज़्यादा बिक रहे हैं, तो इस फिल्म के बाद सैफ अली खान का जो माचो लुक वाला फोटो आया था ना, इसके पहले अलग लुक थे, इस फिल्म से उनका लुक देखना बिल्कुल चेंज हुआ। इस फिल्म के उनके पहले की फिल्म देख ले क्या कहना है ना, एकदम चॉकलेटी बॉय टाइप का उनका लुक था, लेकिन इस फिल्म से उनका एकदम रॉ लुक आ गया, एकदम डार्क शेड लुक आ गया, एकदम ग्लैमरस लुक आ गया, उनका एक पैनिकपन आ गया उनके चेहरे पे। तो इस फिल्म से सैफ अली खान को बहुत हाइप मिल रही थी, और सैफ अली खान काम का किरदार भी उनको बहुत लोगों को पसंद आ रहा था। तो फिर लास्ट में फिर वो बोले कि नहीं यार, इस फिल्म का जो भी है अजय देवगन अपनी जगह सही है, अच्छा काम किया है, म्यूज़िक भी सही अच्छा काम किया है, लेकिन इस फिल्म का जो माचो ले गया है वो है सैफ अली खान। और फिर क्रेडिट भी दिया उन्होंने सैफ अली खान को। और आप देख लीजिए कच्चे धागे में जहाँ सैफ अली खान को एक क्रेडिट मिला एक झापड़ खाने के बाद, उसके बाद कच्चे धागे के बाद सैफ अली खान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 99 की फिल्म है, उसके बाद आप 2000 से सैफ अली खान की फिल्म देख सकते हैं, उसके बाद ही इनका करियर, 99 की फिल्म है, 2000 से उनका जो करियर ग्रो किया सीधा यशराज सलाम नमस्ते फलना ये लड़की क्यों ना जाने क्यों वाले गाना फिल्म, और उसके बाद फिर वो एक ग्रेट फिर आई उनकी रेस, तो उनको फिर माइलस्टोन बदल गया, रेस ने उनकी ज़िंदगी बदल दी।
और सैफ अली खान नंबर वन स्टार के लिस्ट में, तीनों खान के बाजू में, अक्षय कुमार के बाजू में और इन सब के बाजू में खड़े हुए कि मैं भी अब ए ग्रेट स्टार हूँ, ए ग्रेट प्रोडक्शन का। तो इस फिल्म से इस फिल्म से सैफ अली खान को वो एक क्रेडिट ने उनको वो दिला दिया कि जो कभी कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए बोलते हैं क्रेडिट फिल्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट देना और क्रेडिट मिलना फिल्म का। जिस फिल्म को क्रेडिट मिल गया वो रातों रात स्टार बन गया। फिल्में, मैगजीन्स, ब्रांड्स, एंडोर्स, पैसे, पावर, सब कुछ एकमात्र क्रेडिट से आ जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया और सबक है मेरे दोस्तों।